हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आपके अपने चैनल आमिर बर्ड आइवरी में। आज का वीडियो बजीज के ऊपर है, यानी जो बजीज की मैंने छोटी सी कॉलोनी बनाई है फेलो बजीज की, उनको मैं मटकियां प्रोवाइड करने वाला हूं और सभी बर्ड के ब्रीडिंग के रिकॉर्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप सभी के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने दो केज के अंदर अपने बजीज को रखा है, जिसके अंदर ये फर्स्ट वाला केज है, इसके अंदर एक शो बजीज की पेयर और एक रेनबो की पेयर है। और इस केज का साइज अगर जो नए होंगे चैनल के ऊपर उनको मैं बता दूं, इसकी चौड़ाई 20 इंच है, हाइट के अंदर 1.5 फीट है और अंदर जो जगह है डेप्थ वो 2 फीट है। इस साइज के केज के अंदर आराम से 2 पेयर 3 पेयर बजीज के ब्रीड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये बड़ा केज है, यानी लगभग ये 3.5 फीट इसकी चौड़ाई है, हाइट 1.5 फीट है और अंदर गहराई जो है वो 2 फीट है। तो इसके अंदर मैंने पूरे के पूरे बजीज रखे हैं जो कि फेलो वैरायटी और क्लियर विंग है और पूरे के पूरे सेट पेयर हैं। और जब कभी भी आप कोई भी बर्ड चाहे ब्रीड पर लगाओ, तब बर्ड की हेल्थ को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, यानी बर्ड फुल हेल्दी है, एक्टिव है, या फिर बर्ड बीमार हो चुका है, या फिर बर्ड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। आपका बर्ड अगर दाना पानी अच्छे से खा पी रहा है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लूज मोशन वगैरह नहीं लगा हुआ, फुल हेल्दी है, एक्टिव है, तभी हमें बर्ड्स को ब्रीड पर लगाना है। क्योंकि अगर बर्ड का मोल्डिंग भी स्टार्ट होगा तो भी हमें बर्ड को ब्रीड पर नहीं लगाना है, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर फीमेल के अंदर प्रॉब्लम आता है एक बाइंडिंग का, उसकी वजह से हमें उस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद ये रेनबो की पैर भी देख लो आप, माशाल्लाह बहुत सेट है पैर और फुल ब्रीडिंग मूड में है। और जो कोई भी इस बर्ड हॉबी के अंदर 2-3 साल से है, उनको देखकर ही पता चल जाएगा। उसके बाद बर्ड की मूवमेंट वगैरह देखकर ही पता चल जाएगा हमें कि बर्ड ब्रीडिंग के लिए फुल रेडी है, जैसा कि ये वाली पैर है। उसके बाद यहाँ पर वापस अफ्रीकन ने बॉक्स के यानी मटके के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया है और ये दोनों भी पैर सेट हैं, उसकी वजह से मैं यानी शो बजीज भी फिक्स ब्रीडिंग पेयर हैं और उसके बाद ये रेनबो की भी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है, उसकी वजह से मैं इनको दोनों को एक जगह पर लगाऊंगा और इनका रिज़ल्ट भी आगे आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। उसके बाद ये वाले भी बर्ड फुल हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, इनको भी मैं यानी सेट पेयर ही हैं ये, इसके अंदर टोटल 9 पीस हैं, जिसके अंदर 5 फीमेल हैं और 4 मेल हैं। अभी थोड़ा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, उसकी वजह से कुछ बर्ड आपको थोड़ा सुस्त दिखेंगे और ये मॉर्निंग का वक्त है, उसकी वजह से थोड़ा टेम्परेचर भी अभी कम है। तो मैं इनके लिए इस कंडीशन के अंदर टेट्रासाइक्लिन हो गया या फिर मेरिक्विन हो गया, ये मेडिसिन मैं यूज़ करता हूँ जब कभी भी टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर ज़्यादातर बर्ड को उसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए। क्योंकि अगर हम कोई ज़्यादा इंतज़ाम वगैरह नहीं करेंगे, बर्ड के ऊपर उतना ध्यान नहीं देंगे, तो बर्ड हमारे बीमार होने के चांसेस होते हैं, लूज मोशन वगैरह लग जाते हैं, उसकी वजह से इन बातों का हमें ख्याल रखना है। उसके बाद इस वाले शेप के मैं मटकियाँ लगाऊंगा, इनको तो मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था सभी मटकियों को और इसका साइज़ भी अच्छा खासा है, सिर्फ कुछ मटकियों को इस तरह की जीआई तार लगाना बाकी है जो कि हुक का काम करेंगी। बाकी मटकियाँ मैंने साफ़ कर दी थी, लेकिन बारिश के टाइम वक्त थोड़ा ये गंदी हो चुकी हैं बाहर से, तो इनको मैं साफ़ कर लूँगा और आगे मैं दिखाऊँगा ये जीआई तार भी आपको किस तरह से बिठानी है। थोड़ा जा यानी ठीक हम बिठाएंगे तो मटकी वगैरह नहीं हिलेगी
और जैसे कि इसके अंदर अभी टोटल मैं बिठाऊंगा 6 मटकियाँ, क्योंकि पैर जो हैं 5 फीमेल और 4 मेल हैं, तो 5 पेयरिंग हो गई। 1 या 2 मटकियाँ हमेशा ज़्यादा लगाना है हमें। उसके बाद इसके अंदर भी मैं स्टार्टिंग में 2 लगाकर देखूंगा, अगर इनकी यानी अलग अलग दोनों भी मटकियाँ पकड़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक ही मटकी के लिए अगर फाइट वगैरह होगी या फिर कुछ मुझे वैसा मूवमेंट वगैरह लगेगा तो फिर मैं चेंज कर 3 मटकियाँ लगाऊंगा, यानी और एक मटकी ऐड कर दूंगा उसके अंदर। जब कभी भी आप ब्रीडिंग बॉक्स या फिर मटकियाँ लगाते हो तो उसे वापस एक बार अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्लीन करने के बाद हमेशा हमें नोटेक्स पाउडर आता है उसको स्प्रे करना है बॉक्स या फिर मटके के अंदर, जिसके अंदर कोई भी माइट्स या फिर बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो वो मर जाएंगे और वो बर्ड के लिए हार्मफुल भी नहीं है। और मटकियाँ लगाते वक्त इस तरह से लगाना है, जब कभी भी बर्ड अंदर जाए तो मटकी ना हिले, अगर मटकी हिलते रहेगी तो बर्ड जो है अच्छे से ब्रीड नहीं करेगा या फिर मटकी को भी नहीं पकड़ेगा, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। और अब जैसे ही मैंने मटकियाँ लगाई हैं तो हर एक पैर ने मटकियों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया है और आप इनकी मूवमेंट भी देख सकते हो, फुल ब्रीडिंग मूड में हैं। और ब्रीडिंग मूड में लाने के लिए मैं एक यूज़ करता हूँ मेडिसिन, वो मेडिसिन तो नहीं है यानी अलग अलग चीज़ों को मिलाकर बनाया है ब्रीडिंग फार्मूला। अगर आपके बर्ड्स में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है या फिर डेड इन शेल हो रहे हैं या फिर अच्छे से बर्ड जो है ब्रीडिंग मूड में नहीं आ रहा है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, और मैं भी अपने बर्ड्स को ये प्रोवाइड करता रहता हूँ एक अच्छे ब्रीड के लिए। वैसे तो पूरे बर्ड मेरे फुल हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, फिर भी मैं वो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ, क्योंकि बर्ड को कौन सी चीज़ की कमी होती है वो हम तो नहीं जान सकते, उसकी वजह से मैं ये देता हूँ। आपको वो चीज़ दिखा दूँ, ये वाली चीज़ है वो ब्रीड बूस्टर, इनका मैं नंबर भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ये इनका नंबर है, ये आपको ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन भी करा देंगे और बहुत अच्छी चीज़ है, यानी मैंने इससे पहले भी यूज़ किया है तो मेरे पास 2 डिब्बे ख़त्म हो गए, अब ये तीसरा डिब्बा मैंने स्टार्ट कर दिया है। और इन बर्ड्स को भी मैं 1 हफ्ते से दे रहा हूँ, जिससे कि ये ब्रीडिंग मूड में भी आ चुके हैं अच्छे से, और इनके आप बिहेवियर देख सकते हो फुल हेल्दी एक्टिव और फुल रेडी हैं ब्रीड के लिए। और जैसे ही मैंने मटकियाँ लगाई हैं तो हर एक पैर ने मटकियाँ पकड़ना स्टार्ट कर दिया है, चाहे ये फेलो बजीज हो या फिर ये शो बजीज हो। और मटकियाँ लगाते वक्त मैंने इसके अंदर एक पाउडर स्प्रे किया था नोटेक्स पाउडर, वो भी आप अपने केजेस के अंदर हमेशा स्प्रे करना चाहिए यानी डालना चाहिए उस पाउडर को, क्योंकि उससे माइट्स का वगैरह प्रॉब्लम नहीं आता और ना ही अगर बर्ड्स अगर बाहर से आप बर्ड वगैरह कोई भी परचेस करते हो तो भी माइट्स वगैरह अगर उसके अंदर होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर आप ज़रूर बताइए, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए।